बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपको टोपी वाले सादे बुरखों का आइडिया दिखा रही हूँ। जो कोई आपको पसंद आए तो हमें लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद करना, दोस्तों से शेयर करना। ये बुरखे सऊदीया में उम्र वेर जाते हुए भी पहनते हैं लोग। इसके अंदर तमाम वो बुरखे आपको नज़र आएंगे जो कि उम्र पर लोग गए हुए हैं, उन्होंने पहने हुए हैं। ये सादा बुरखा है, ये 8 मीटर में भी तैयार होता है, 9 मीटर में भी। इसकी टोपी 1 मीटर में तैयार होती है। टोपी हम प्लेटें डालकर बनाएं, चाहे हम समोकिन की बनाएं या खुद बनाएं या कढ़ाई करवाएं, देखो इसमें लिबास नज़र नहीं आता, बिल्कुल ढका हुआ लिबास है। पेशावर में भी ये बुरखे इस्तेमाल होते हैं, ये कोयटा में भी इस्तेमाल होते हैं, पंजाब में भी। पठान लोग इन बुरखों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी औरतों को लिबास नहीं दिखाना, क्योंकि पठान लोग अपनी औरतों का लिबास दिखाना पसंद नहीं करते। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, दुआओं में याद करना, दोस्तों से शेयर करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। ये देखो बुरखा उड़कर बैठी हुई है, इसकी टोपी बनी हुई है घर की, इसकी आँखों पर जाली लगाई हुई है। क्रोशिया से बुनकर भी लगा सकते हैं हम, दर्जी से रेमेंडी भी करवा सकते हैं हम, इसको कपड़े की कटिंग कर कर भी अंदर लगा सकते हैं तो आँखों से हमें नज़र आ सके। ये बुरखे बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिलाई में भी बड़ी आसानी के साथ सिल जाते हैं, आम घरों में भी। हमारे यहाँ भी हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने इन बुरखों का बहुत इस्तेमाल किया। ये देखो इस पर इन्होंने कढ़ाई करवाई हुई है, टोपी पे भी आपको नज़र आ रहा। तमाम औरतें ये उम्र पर गई हुई दिखाई जा रही हैं, ये उम्र में पर गई ही हैं, खाना काबा के उधर फिर रही हैं। आप देखो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तमाम बुरखों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसे लगे। वीडियो में हम अबाय भी दिखा रहे हैं, ये देखो उम्र पे गई हुई कबूतरों के साथ बैठी है, कबूतरों को दाना खिला रही है। ये टोपी वाला बुरखा देखो, इसको खाली नेट लगी उसमें से आँखों के लिए, इस पर कढ़ाई नहीं, बिल्कुल सादा सिंपल बुरखा है। ये भी बिल्कुल सिंपल है, इस पर कोई ऐसा काम नहीं, ना समोकिन की टोपी है, बिल्कुल सादा बनाया। आप ये वाले देखें, कबूतर बैठे हुए हैं, ये खाना काबा गई हुई हैं दोनों बहनें। देखें कबूतर इनके पास किस कदर आ रहे हैं, ये दाना खिला रही है, इनके बीच में किस कदर कबूतर बैठे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपको पसंद आए तो हमें लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना। इस बुरखे को देखो, इस पर रेमेंडी करवाई हुई है, जाली भी इसकी बनवाई हुई है। इसकी टोपी समोकिन की है, अब आप गौर से देखें समोकिन कैसे बनती है। समोकिन की टोपी भी बहुत प्यारी लगती है, थोड़ी उठी होती है, घर की बनी हुई बिल्कुल गोल नुमा नज़र आती है। ये हम नकाब भी लगवाते हैं, आगे चौरस पीस होता है उसे नकाब लगवा लेते हैं। अगर चाहें तो हम उस पर कढ़ाई भी करवा सकते हैं, चाहे तो हम सादा भी लगवा सकते हैं। ये तमाम बुरखे आपको पसंद आए तो हमें लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करना दोस्तों से भी। अगर आपका चैनल है तो आप हमारे अपने चैनल से हमारे चैनल को भी दुआ करना, वो भी देखें। ये देखो टोपियाँ बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, सिंपल बुरखे बिल्कुल सादे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ये बुरखे पसंद आएँ, आज के दौर में भी बहुत सारे लोग ये बुरखे ओढ़ते हैं, पंजाब में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी। आप इन बुरखों को बनवा भी सकते हैं, अगर आप लोग पर्देदार बंदे हैं तो पहना सकते हैं। अगर आपकी बच्चियां मदरसे में जाती हैं तो मदरसे वालियों ने इनको अलाउ किया हुआ है, आप बुरखे के बग़ैर मदरसे में नहीं आती। दस्ताने, बुरखे, मोज़े पहनना इनके लिए लाजमी है, अलाव है, बहुत ज़रूरी।
ये देखो बहन कितने आराम से खड़ी है, बुरखा उड़कर, इसके कपड़े भी नहीं नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल लिबास अंदर से इनका ढका हुआ होता है। एक फ़ायदा है कि बच्चियों का लिबास बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। मदरसे की बच्ची हैं, जितने भी चाहे गुड बाय।